Wooden expression. ठीक है, 1.0 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब डॉट क्या है पता है? डॉट डॉट जस्ट लाइक मल्टीपल, ठीक है। 1+1 लिखिएगा तो 1 होता है, ठीक है। 1+0 लिखिएगा तो 1 होता है। उसके बाद 0+1 कीजिए तो भी 1 होता है। 0+0 कीजिएगा तो 1 होता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम कुछ आते हैं, एक वर्ड आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई भी प्लस होगा, यदि प्लस होगा तो उसको डॉट में ले जाता है, कोई डॉट होगा तो वो क्या हो जाता है, प्लस में जाता है। जैसे यदि हम a+b लिख रहे हैं, ठीक है, उस पर यदि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, बार लगाते हैं तो ये हो जाता है a.b। यदि a.b के ऊपर डी मॉर्गन्स लगाते हैं तो ये हो जाता है a+b, ठीक है। समझ रहे जैसा? जी समझ रहा, ये होता है ना। अब हमारे पास आता है, ये हो गया मेरा बूनियन एक्सप्रेशन, ये हो गया डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ है इसे अभी पढ़ना, ठीक है। अब हम आते हैं गेट के ऊपर। हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स जो होता है वो होता है 3 बेसिक गेट्स। पहला गेट्स होता है, क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए, गेट का यूज होता कहाँ है दैनिक जीवन में? गेट्स का हम लोग दैनिक जीवन में वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक ना। जैसे किसी को आईसी बेस्ड में कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोग बहुत सारे आईसीज का नाम सुने होंगे, 7400, ठीक है। आईसीज और भी होता है, 7432, ठीक है, 7402। तो ये सब जो आई सी, ये नैंड गेट का, एंड गेट का, और गेट का, ये होता है एग्जॉर गेट का, ये सारा जो है आई सीज है सर। हर आई सीज का अलग अलग फंक्शन होता है। आप देखिएगा कोई भी आई सीज यदि लिखिएगा यहाँ पे, यदि कोई आई सीज है, ठीक ना, तो ये यदि 7432 का आई सी है, इसको बोलते हैं नैंड गेट का ये आई सी है सर। यहाँ पे एक नॉच बना होता है, ठीक है, नॉच बना होता है और यहाँ पे लीड निकला होता है, 1 2 3 1 2 3, ये एक यहाँ निकला 1 2 3 1 2 3, और देखिए ये जो हमेशा होता है मेरा, ये जो पार्ट होता है हमेशा मेरा ग्राउंड होता है, और ये जो पार्ट होता है हमारा मतलब लो वोल्टेज +5 वोल्ट, ठीक है। इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए हम +5 वोल्ट देते हैं और एक ग्राउंड देते हैं, जिससे क्या होता है मेरा ये आईसी एक्टिव हो जाता है। जैसे ये आईसी एक्टिव हो जाता है तो हम किसी भी दो टर्मिनल, जैसे ये दो टर्मिनल है, इस दो टर्मिनल को आप इनपुट लेंगे, इससे आउटपुट लेंगे, ये दोनों इनपुट हो जाता है, ये आउटपुट जाएगा, फिर ये दोनों इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, फिर ये दोनों इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट जाता है, फिर ये दोनों इनपुट जाता है, फिर ये आउटपुट, मतलब एक आईसीज में आपको 4 ऑपरेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस 4 ऑपरेशन से यदि आप गेट में क्या होता है, हर एक का ऑपरेशन आपको देखिएगा कि और गेट का अलग होता है, दूसरा आइएगा तो एंड गेट का अलग होता है, ठीक है, तीसरा आइएगा तो और एंड और नॉट गेट, ठीक है। आप लोग देखते हैं और गेट में हम लोग प्लस का सिंबल लेते हैं, एडिशनल लेते हैं, एंड गेट में हम लोग डॉट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, नॉट गेट में इसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ सर, कि किसी का भी जैसे ऑन और ऑफ दो ऑपरेशन है ना सर, तो ये यदि हम इसको ऑन करते हैं जस्ट उसका उल्टा लेता है। यदि हम यदि किसी भी सर्किट को यदि ऑपरेशन में लाना है जो ऑफ कर देंगे तो वो जस्ट उसका उल्टा ले लेगा, ऑन उसका ऑपरेशन को ऑन कर, मतलब जस्ट उल्टा कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जिससे इस पर बार लग जाता है। तो हम लोग अलग अलग आईसीज को जान के आपको अलग अलग समझ में आएगा सर कि कब कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस गेट के माध्यम से इनपुट होता है वो 2 होता है, ठीक है, और आउटपुट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल का बात करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल जब भी और गेट का, किसका और गेट का, और गेट का लेंगे तो और गेट का ऑपरेशन प्लस में हुआ। यदि 2 इनपुट होता है तो यदि सपोज एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, और तीसरा इनपुट यदि हम वाई लेते हैं, इसका सिंबल की हम बात करें तो और गेट का सिंबल होता है सर ऐसे, ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाई ऑपरेशन लेते हैं जिसका इन दोनों का दोनों इनपुट यदि देते हैं तो आउटपुट जो निकलता है वो यहाँ निकलता है। आउटपुट कैसे निकलता है, एडिशनल में निकलता है, a+b हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम जीरो, यदि हम दो ही कम इनपुट देते हैं, यदि 2 इनपुट है तो जस्ट इसका जो
इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है टू पे पावर एन का कॉम्बिनेशन बनता है, जहाँ पे एन इक्वल टू जो होता है वो इनपुट होता है इनपुट। अब आप इनपुट के अकॉर्डिंग आप जैसे बनाना चाहते हैं, यदि आप एक इनपुट लीजिएगा जीरो और वन लीजिएगा तो क्या होगा, दो कॉम्बिनेशन बनेगा, आप जीरो लीजिए चाहे वन लीजिए। यदि दो इनपुट ले रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं तो क्या होगा, टू पे पावर फोर, चार कॉम्बिनेशन बनेगा, चार कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बनेगा, जीरो जीरो एक बन सकता है, ये फिर ये जीरो हो ये वन, फिर ये वन हो ये जीरो हो, फिर ये वन और ये वन। जीरो जीरो का मतलब सर यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए, जीरो जीरो का मतलब समझिए लो वोल्टेज, ठीक है, वन का समझिए हाई वोल्टेज, ठीक है, लो हाई। या फिर इसको अलग तरीके से आप सोच सकते हैं कि इसमें इनपुट, इसमें कुछ वोल्टेज है, इसमें जीरो वोल्टेज है, इसमें लो वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज है, मतलब बस एक कॉम्प्लीमेंट समझ। जैसे हम लोग ऑपरेशंस में स्विच जो होता है ना, वन और जीरो का स्विच होता है कि नहीं, तो जैसे ही जीरो डालते हैं तो वो ऑफ कंडीशन होता है, तो ये लॉजिकल, ये लॉजिकली दो ऑपरेशंस है, समझिए समझिए। हम लोग बहुत सारे जो सिस्टम हमारा, जो हमारा लैपटॉप होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो एक लैंग्वेज को जानता है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। जैसे ही हम कोई भी इनपुट, कोई भी ए बी सी डी कोई भी इनपुट डालते हैं, इंटर करते हैं, तो वो पहले मेरा हेक्साडेसिमल में जाता है। वो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसर करता है, प्रोसेस करके उसको बाइनरी सेक्शन में कन्वर्ट करता है। बाइनरी सेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जीरो और फोन वन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जीरो और वन का फॉर्म कहने का मतलब क्या है, वन और जीरो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, जीरो जीरो है, तो ए प्लस बी का बात कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जीरो जीरो यदि होता है तो क्या हो जाता है, जीरो मिलता है, जीरो वन मिलता है तो वन मिलता है, वन जीरो में क्या होता है वन, और वन वन में क्या मिलता है वन मिलता है। मतलब यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि इन दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट यदि हाई होता है, एक इनपुट हाई मतलब एक देख रहे हैं आप यहाँ पे भी इनपुट हाई हो रहा है, एक इनपुट यहाँ पे भी हाई हो रहा है, एक इनपुट यहाँ पे भी, यहाँ पे तो दोनों हाई है, लेकिन हम एक एक केसेस ले सकते हैं कि इन इस चार कॉम्बिनेशन में कोई भी एक इनपुट यदि हाई मिल रहा है तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो यहाँ पे इस केसेस में जब भी हम और गेट का यदि इनपुट का कोई भी एक इनपुट के लिए हम हाई कर देते हैं तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रुथ टेबल, ये हो गया मेरा सिंबल, ये होगा मेरा लॉजिकल ऑपरेशन। अब हम ठीक है, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है, ठीक है। अब इस दोनों स्विच को हम आपको सोचना है, यदि हम दोनों स्विच को जीरो जीरो रखें, मतलब क्या, दोनों को यदि ऑफ रखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ऑफ मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों से लेकर के क्या करते हैं, इस दोनों स्विच को ले लिया, इस दोनों स्विच को लेने के बाद एक यहाँ पे एक बल्ब बनाया, या फिर एक आउटपुट सोचिए, एक प्रकार का ये आउटपुट मेरा दे रहा है, ठीक है, यहाँ आया और यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, चाहे आप किसी भी तरह का डीसी सोर्स दे दीजिए, सोर्स लग गया, इस स्विच को एस वन ले लीजिए, स्विच को एस टू ले लीजिए। स्विच को जब भी लगाएंगे तो पैरेलल में लगाएंगे, अभी और गेट में, ठीक है, स्विच को और गेट में लगा दिए, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया बैटरी है जो, और यहाँ सोर्स लीजिए, ठीक है, ये हो गया मेरा आउटपुट। अब यहाँ पे है, मैं जैसे ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे बनाए थे वैसे ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, एक स्विच वन हो गया और ये स्विच टू हो गया, ठीक है, एक टेबल फॉर्मेशन किए और ये मेरा एक आउटपुट का फॉर्मेशन है, ठीक है, स्विच वन और स्विच टू है। स्विच वन को यदि हम क्या रख रहे हैं, जीरो लो रख रहे हैं, जीरो मतलब जीरो, ये भी लो मतलब ऑफ समझिए, एक प्रकार से इसको बोलिए ऑफ रख रहे हैं, इसको भी ऑफ रख रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ ऑफ। इसको भी हम ऑन नहीं किए हैं, ऑफ ही रखे हैं तो ये ऑफ ही मिला। फिर एक और सिस्टम चलते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसको भी ऑफ रखते हैं, इसको ऑन करते हैं। एक भी स्विच यदि मेरा यहाँ ऑन हो जाता है तो यहाँ से जो करंट जाने वाली धारा होगी उसको एक रास्ता मिल जाएगा, कहाँ, बल्ब को जलाने के लिए। तो जैसे ही बल्ब को जलाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा तो यहाँ से एक पाथ को कंप्लीट कर दिया, तो मेरा आउटपुट मिल गया, बल्ब मेरा क्या हो गया, जलने लगा, जल गया। तो यहाँ पे एक भी स्विच को ऑन हो रहा है तो मेरा आउटपुट क्या मिल जा रहा है, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर वही कॉम्बिनेशन लेके चलना है, फिर यहाँ पे ऑन लेके चलते हैं, फिर ये क्या हुआ, ऑफ। इसको फिर हम क्या करते हैं, ऑफ कर दिया और इसको फिर ऑन कर दिया, फिर तो ये रास्ता चेंज कम्प्लीट हो गया, क्या होगा, पाथ कम्प्लीट नहीं। एक केस और है सर, इस केसेस में भी ऑन हो गया, फिर एक केसेस और बनता है जब ये दोनों को ऑन करते हैं जी, दोनों को ऑन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑन होगा। थर्ड केसेस क्या बनेगा, ऑन बनेगा। स्विच को दोनों को ऑन कर दीजिए तो क्या होगा, ये दोनों रास्ता क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, दोनों रास्ता शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लैंप जलेगा, बटेगा, फिर से यहाँ के मिल जाएगा, फिर से आपको क्या करना, लैंप जलेगा। यही मेरा ट्रुथ टेबल जी, ये मेरा हो गया एक स्विच के अकॉर्डिंग मेरा ये ऑपरेशन और गेट का।